दाम राम ने इतना बड़ा शान कर दिया, हम सोपी दिया था, गाम राम का शान नहीं भूल सकते। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बण भाइया ने राम राम। मैं हूँ दिनेश कुमार और फिलहाल मैं सोनीपत जिले के आवली गांव में मौजूद हूँ। हरियाणा में पंचायती चुनाव का दौर चला हुआ है, बहुत सारे गांव में जो खबर आपने देखी है, कई गांव ऐसे आए हैं जिन्होंने अपने आप में एक मिसाल कायम की है। इसी तरह से सोनीपत जिले का जो आवली गांव है, इस गांव ने भी हरियाणा में एक ऐसी छाप छोड़ी है, एक ऐसा संदेश दिया है जो हर किसी ने देखना चाहिए, हर गांव के युवाओं ने देखना चाहिए, हर गांव के जो है बुजुर्ग हैं सब ने यह बात जो है देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, जो मिसाल आवली गांव ने कायम की है। और वो मिसाल है कि गांव की जो पूरी की पूरी पंचायत है, सरपंच है, मेंबर हैं, ब्लॉक समिति वाले हैं, सभी को सर्व समिति से चुना गया है। हमारे साथ जुड़े हैं भाई टिंकू पहलवान जी, जो बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, जो लगभग एज कितनी होगी पहलवान जी? 36 साल इनकी एज होगी। मैं भी इनको लगभग 10-12 साल से जानता हूँ। हर बार अपने गांव में, अपने आसपास के गांव में जहाँ भी हम देखते हैं सामाजिक जो कार्य जो होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए पूरे गांव ने जो है टिंकू पहलवान को सर्व समिति से गांव का सरपंच बनाया है। और साथ साथ पूरी जो इनकी जो पंचायत है, मेंबर कितने हैं? 14 मेंबर जो साथ में, वो भी सर्व समिति से चुने गए हैं। और एक जो ब्लॉक समिति का जो जो है सतीश जी हैं जिनका नाम, वो भी सर्व समिति से गांव ने चुने, यानी कि पूरी की पूरी जो पंचायत गांव की वह सर्व समिति ने चुनी है, जिसमें बुजुर्गों ने, युवाओं ने, सब ने जो है बढ़ चढ़ कर ने इस बात का समर्थन किया है कि भाई इस पंचायत को सर्व समिति से चुना जाए। तो बात करांगे भाई टिंकू पहलवान से। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब हरियाणा 1008 पर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब आपका। सबसे पहले तो एक बार पूरे गांव का धन्यवाद कर दो जिसने एक मिसाल कायम की। मैं पूरे अपने गांव की जन्मभूमि को और पूरे गांव को माथ जोड़ के राम राम करता हूं। और गांव ने मेरे ऊपर ऐसा शान कर दिया, सौंपी दिया था, हम शान तार नहीं पाऊंगे। और मैं गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। देखो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हो कि पूरे गांव का एहसान मैं नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन काम आपने करके दिखाने पड़ेंगे। जो गांव ने आपके ऊपर जो भरोसा किया है, आपको लोग जानते हैं, आप एक सामाजिक व्यक्ति हो और बढ़ चढ़ का जो है सामाजिक कार्यों में आप अपना योगदान भी देते रहते हो, समय समय पर आपको देखते हैं लोग। तो इसी तरह से अब जो गांव में, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जो आप सरपंच की जो सरपंच जो आप बनाए हो, आपका मन किया कि भाई आपका खुद मन किया या लोगों ने आपको उठाया, पहले तो यही मुझे बताओ एक बार। पूरे गांव ने मेरे को ऊपर उठाया है, हर घर में मन राम दिखता है, मेरे गांव ने पूरे ने सोच समझ गए मेरे को बनाया है। मैं गांव राम का धन्यवाद करता हूँ और गांव राम के जो सोच के बना उस बात पर मैं खरा उतरूंगा। एक बार पूरा गांव आपने देखने लग रहा है, हरियाणा 1008 के माध्यम से पूरा हरियाणा प्रदेश आपने देखने लग रहा है, गांव में क्या के काम ऐसे हैं जो आपके मन में है कि ये मैंने करवाने हैं, ताकि आप तो सीख लेकर और भी किसी गांव का सरपंच वो देखता हो उसके भी नु सीख लागे कि हाँ ये काम गांव में करवाने जरूरी है। क्या ऐसी जो समस्याएं हैं मुख्य, मैं आपके मुँह से जानना चाहूँगा। मेरे गांव में एक सबसे बड़ी समस्या पानी की पीने की, जो मेरी माताएं हैं, मेरी दादी है, जो मेरी बहनें बहुत दुखी रहती हैं। तो उस समस्या को भगवान ने भी मेरे गांव राम ने ऐसा मौका दे दिया, हम एक जैसे हमारे यहाँ नजदीक मोई है, वहाँ नहर जा रही है, दो अच्छा पानी है, सबसे अच्छा पानी यही है। तो हम उसने भगवान ने सुख रखा, तो उसको उसका काम हम 10-15 दिन में चालू करने की सोच रहे, एक लाइन ले आऊंगे वहाँ से दाब के, जिससे पानी अच्छा पानी आए, हारी बीमारी से बचे, पहला काम है हमारा ही हो। उसके बाद हमारे गांव की एक फ्रेणी है, उस पर आप कभी देखो बारिश आ जाती है तो बहुत मतलब आने जाने का रास्ता नहीं रहता, जैसे किक्कर भी हैं गाँव के, चोकर दे गए जो अपने काबिली फूल लग रहे हैं, तो हम उनका भी मतलब साफ सफाई करके और अच्छे पौधे लगाएंगे। सबसे बड़ी समस्या एक और है, मेरे गांव में सपोर्ट्स का रुझान कम है, क्यों सुविधा नहीं है, जैसे ना स्टेडियम है, बारिश का पानी भर जाता है, मेरे नौजवान भाइया ने खेलने कूदने का वो नहीं, तो हम उस पर विशेष ध्यान देंगे। मेरी सोच ये है कि भाई कोई भाई अगर ओलंपिक खेला हुआ है तो हमारे गाँव का और नाम पूरे संसार में हो जाए, तो हम ये भी इस पर पूरा ध्यान देंगे, दिन रात एक करेंगे। उसके बाद एक शिक्षा, मेरे गांव में जैसे स्कूल में टीचरों का भी ध्यान रखेंगे, जैसे हम इंग्लिश मीडियम का भी एक मतलब प्रावधान चालू करेंगे, चाहे हमने टीचर कहीं से कुछ भी एडजस्टमेंट करना पड़े, और उसमें पेड़ पौधे पानी भी खड़ा रहता उसका भी समाधान करेंगे।
तो हमारे गांव में समस्या तो बहुत और है। एक लाइब्रेरी का भी हम करेंगे तो वैसे तो पास भी हो रही है, 80 लाख रुपया बजट बन रहा है। उसके बाद हम एक जम बनाएंगे, जैसे नौजवान भाई हैं मेरे नशे पत्ते से बच्चे, सबसे हाथ जोड़ेंगे नौजवान भाई से, आओ अपनी सेहत का ध्यान रखो। तो काम तो बहुत ज़्यादा है, जितने करेंगे उस गांव इस गांव के लिए मैं उतना ही नहीं मानूंगा, कम काम करें मैंने तो हम कतीनों मान लो गांव के सेवक बनकर एक पाड़ी बनकर गांव की मैं सेवा करके दिखाऊंगा 5 साल। अच्छा अब बात करते हैं सर्व समिति की, जो सर्व समिति से आप लोग चुने गए हो, क्या मतलब ऐसा भी हुआ कि भाई गांव में कोई और भाई उठा हो और फिर गांव के बुजुर्गों ने उसको मनाया हो, या फिर कोई उठा ही नहीं, सब नए खुले समर्थन दे दिया? ना, मेरे सब भाइयों ने गांव ने पूरा सहयोग करके, मेरे एक दो भाई थे लेकिन वो इतने नाराज नहीं थे, तो मेरे ही भाई थे उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दे दिया है और मैं गांव राम ने पूरे ने इकट्ठा होके और गांव ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया है। तो जो भाई उन भाइयों का भी धन्यवाद करते हैं जो साथ में जो उठे थे, लेकिन जो है उन्होंने खुद अपना आशीर्वाद जो है भाई को दिया है, उन्होंने भी एक मिसाल कायम की है, उनका भी मीडिया के माध्यम से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि इस तरह के जो है जो ये मिसाल जो कायम होती है ये होनी चाहिए, ताकि जो है हमारी जो और जो युवा पीढ़ी है, जो युवा साथी जो है जो इस तरह की जो वीडियो देखते हैं, इस तरह की खबरें जो देखते हैं, उनके अंदर भी ये लगे कि तो आगे आने वाला जो हमारा जो समाज है, आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इन चीजों से जो है सीख कर और आगे के जो है एक अच्छे समाज का जो है वो निर्माण जो है कर सकें। युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा साथियों को धन्यवाद ये संदेश देना चाहता हूँ, भाई मेरे साथ मिलजुल के मेरे काम में सहयोग करें और अपने गांव का ध्यान रखें और एक नशे पत्ते से जरूर बचे और मिलजुल के काम करें। अच्छा एक बात और पूछना चाहूँगा टिंकू भाई, जैसे कि ये इलेक्शन जो होते हैं पंचायत इलेक्शन, इनमें जो है नशे का जो है काफ़ी जो है जोर रुझान देखा जाता है अपने गांव देहात में, अब यहाँ तो जो आप सर्व समिति से जो चुने गए, मेरे ख्याल में गांव इन चीज़ों से बचा होगा। बहुत मेरे गांव ने देख पूरी हरियाणा को संदेश दे दिया, एक भाईचारा भी दिखा दिया और एक नशे से दूर करने का भी राह दिखा दिया। तो मेरा तो और गांववासियों से भी जितने हरियाणा गांव सबसे ये हाथ जोड़ गए विनती है भाई, इसी जो भारी परंपरा चली, अगर ये परंपरा चल जाए तो मतलब गांव में एक जैसे इलेक्शन के टाइम कुछ तो बच्चे बिगड़ते हैं तो एक सुधार बहुत अच्छा रहेगा, तो एक भाईचारा ही बना रहेगा और एक अच्छी परंपरा का एक जो इलेक्शन में एक दूसरे की खच्चातानी भी नहीं हो, तो इससे बहुत अच्छा संदेश जाता है। बहुत बढ़िया बात जो है टिंकू भाई ने कही है, और या हरेक गांव के ऊपर लागू हुआ है, अगर हमने अपनी युवा पीढ़ी को अगर नशे से बचाना है तो भाई यो जो है एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर बहुत सारे बच्चे जो है वो बिगड़ते हैं, नशा करते हैं और इसमें जो है कैंडिडेट का कोई कसूर नहीं होता, वो लोग खुद इतनी जिद जो है वो करते हैं कि कैंडिडेट जो है मजबूर हो जाते हैं उनको मतलब जो है वो चीज़ें अवेलेबल करवाने के लिए। लेकिन ये जो संदेश जो आवड़ी गांव ने दिया है और भी हरियाणा के कई गांव ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने इस तरह का संदेश दिया है, जो सर्व समिति से जो पंचायत चुनी गई है उन गांवों में जो है जो युवा बच्चे हैं और हैं जो घर जो है बिगड़ने से बचे हैं, सबसे बड़ी बात है जो नशे से जो है दूर हटे हैं, अगर सर्व समिति से चुने जाते हैं तो इस तरह का कोई गाँव में वो नहीं देखा जाता कि भाई कोई इलेक्शन में कोई नशा कर रहा है या इस तरह का कोई काम कर रहा है। और भी युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, टिंकू भाई साहब को जो सर्व समिति से और पूरी पंचायत को जो आपके गांव ने सर्व समिति से जो चुना है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भैया हम ये कहना चाह रहे हैं सर्व समिति से भाई को चुना गया, पूरे गांव ने वो कराया है और ये बहुत बढ़िया काम करके दिखाएगा और पूरे गांव को इसके ऊपर पूरा भरोसा हो रहा है। अच्छा युवाओं को मतलब इतना वो है कि 2-3 साल से मतलब पहले से ही है, पहलवानी भी करते थे उस टाइम पर, मतलब इन्होंने युवाओं को हर चीज़ को बड़े को भी सब को जोड़ने का काम किया है और जो युवा साथी हैं उनको मतलब एक बहुत मतलब अपने भाई की तरह सबको रखा है इसने, गांव में बाहर भी ऐसा ही है। युवाओं को ऐसा हो है मतलब कोशिश है कि 2-3 साल से पहले भी कोशिश रही इसकी, हर चीज़ में खाड़े में है या किसी जिम का अपनी जेब से अपने पास से हर चीज़ का हर काम करने का काम इसने कराया है और अब इतनी उम्मीद और ज़्यादा होगी हमारे कि भाई गांव ने आशीर्वाद दे दिया है इनको, भाई और भी ज़्यादा काम करके दिखाओगा, मतलब कोशिश ये रहेगी कोई मतलब ऐसा नहीं बचेगा काम, भाई ऊपर से कोई ग्रांट का कोई फर्क हो जाए वो तो अलग चीज़ है लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं बचेगा, जो हमारी उम्मीद है या मेरी है किसी गांव की है या इसकी है सब काम पूरे करने की कोशिश करी जाएगी। देखो ऐसा है वो बोलते हैं ना पूत के पाँव पालने पछन जाग रहे, तो ये बचपन से ही जो है ना पहले खुद स्पोर्ट्समैन था फिर और बच्चों को कुछ करता रहा, या कई बार इन खेलों का भी आयोजन कराया है कबड्डी का भी, मतलब पूरे हरियाणा लेवल के ऊपर,
और दूसरे भी सामाजिक काम है, उनमें किसी की ब्याह शादी होगी जो गरीब आदमी उड़े भी थोड़ा घना इन्होंने उनकी मदद किया है, इन सब चीज़ों को देखते हुए भाई इस लड़के का रुझान है। और तो हमने फिर जो है ना पूरे गांव ने सोचा है कि भाई ये बेस्ट रहेगा मतलब इसके लिए, और हमने इसको जो है ना सरपंच जी के लिए जो है ना कैंडिडेट जो है ना लगा करके वो जो है ना सर्वसम्मति कर दिया गांव ने। वो जब इस तरह से सर्वसम्मति से कोई पंचायत चुनी जाती है तो उस पंचायत को जो है काफ़ी पैसे सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, कितने मिलने की उम्मीद है पहलवान जी? देखो हमने तो जो हमारे मतलब हमने देखा है पूछा है बड़े सियाने से, और सरकार की जो मतलब पॉलिसी है तो 11 लाख तो सरपंच के हैं, 5 लाख रुपए ब्लॉक समिति के हैं, और जो हमारे मेंबर भाई हैं उनके हैं 50,000 रुपए। आपके टोटल कितने बन गए आपकी पंचायत? मान लो 14 मेंबर हैं, 7 लाख रुपए तो हुए हो गए, अच्छा एक ब्लॉक समिति वाला हो गया, 5 लाख रुपए उसके हो गए और 11 लाख रुपए सरपंच के हो गए, 23 लाख रुपए हो गए। 23 लाख रुपए जो आप लोगों ने मिलेंगे, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा 23 लाख रुपए जो है गांव के किस कार्य में लगाए जाएंगे? देखो वो तो बात ऐसी है, मेरा एक संदेश और है, 23 तो है वो ये हो गए, लेकिन एक सरकार ने भी सोचनी चाहिए, एक गांव ने को इतिहास रचा है तो इतिहास के लिए गांव ने भी एक अलग से ऐसी ग्रांट देनी चाहिए, देखो पुरस्कार बढ़ा देना चाहिए। जो जैसे पंचायत ओलंपिक में खिलाड़ी मेडल लेके आता तो उसका अलग कोटा होता है, तो सरकार अगर ये काम कर दे तो गांव में एक परंपरा चल जाए, इससे बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार ने जो सरो समिति से सरपंच होगा एक अलग से कोटा भी होना चाहिए, और मैं अगर ये जो आएगा और मेरी भी कुछ तमन्ना है गांव के लिए, हम गांव को एक इकट्ठा करके और बड़े साने जो हमारे गुजरंग है जो नौजवान भाई हैं हम उनके हाथ में सौंपेंगे, वो जो काम कहेंगे वो काम होगा। बिल्कुल देखिए बहुत बढ़िया बात जो है टिंकू पहलवान जी कह रहे हैं कि सरकार ने थोड़ा सा पुरस्कार बढ़ाना चाहिए, और जो है मेरे हिसाब से मैं अपनी तरफ से बताऊं अगर मुख्यमंत्री जी तक यह वीडियो अगर पहुंचती है तो मेरे ख्याल में इस तरह से जो पंचायत जो चुनी जाती है सर्व समिति से जो पूरी पंचायत चुनी जाती है तो गणेश निर्णायक मेरे ख्याल में 51 लाख रुपया का पैकेज तो जो है सरकार ने दे देना चाहिए। वो भी थोड़ा है काम ने देख है और मान सम्मान ने देख है तो वो भी बहुत थोड़ा है, 51 लाख में देख के गली बने हैं वो देखे दही, मेरे गांव में सीवर की बहुत अच्छी सुविधा हो सकती है तो हम वह कोशिश करेंगे, मतलब भगवान ने शुक्र रखा गाम राम ने इतना बड़ा शान कर दिया, हम सोपी दिया था गाम राम का शान नहीं भूल सकते, तो हम ये भी करवाने का काम करेंगे, तो सरकार तो जितना देगी उतना ही थोड़ा है। बिल्कुल, और देखो इसमें एक चीज और भी होती है, सरकार ने भी देखो एक चीज सोचनी चाहिए क्योंकि इस तरह से वो पैसा जो दिया जाता है सरकार की तरफ से जो पुरस्कार होता है, पुरस्कार ही कहा जाएगा इसको, वो एक गांव के निर्माण में वो पैसा लगेगा, क्योंकि जो पहलवान जी जैसे जो लोग हैं उनको जब इस तरह से पूरा गांव चुनता है, पंचायत उनको चुनती है, तो कुछ ना कुछ खास बात होती है, क्योंकि इस तरह की जो मिसाल है वो हर जगह जो है वो नहीं देखने को मिलती है, कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो पहलवान जी मेरा लास्ट सवाल एक और रहेगा, जिस तरह से अब की बार आवड़ी गांव में ये देखने को मिला है पूरी पंचायत जो चुनी गई है, क्या पहले भी कभी जो है गांव ने इस तरह का जो है उदाहरण दिया है? हाँ, पहले भी हमारे एक दादाजी थे कत्याब सिंह जो एमएलए भी 2 बार बने हैं, उन्हें एमएलए में भी इतिहास रचा है। अच्छा। और उस टाइम शायद 44 साल पहले की बात है, 37 साल पहले की बात है, किताब सिंह हाँ मेरे दादाजी तो मतलब गाँव के हैं अपने, तो उन्होंने भी ये इतिहास रचा था। गांव में जो है दादाजी ने काम कितने करे थे? फिर काम देखो लो जो समय था उस समय ने देखो उन्हें काम बहुत अच्छे करे थे। हाँ देखो पहले बात ऐसी थी, हमारे घर में भी गैस नहीं थी, तो हम भी मतलब गैस नहीं थी, लेटरिंग नहीं थी, बाहर घूमने जा करते, तो उस समय में उन्होंने समय देख के बहुत अच्छे काम करे थे, और उन्हें 2 बार मेले आजाद बने तो उन्होंने वहाँ भी इतिहास रचा। बिल्कुल तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ये थे हमारे साथ टिंकू पहलवान और हमारे एक और अजीज मित्र जो है अभी भी यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे भी हमें दो बातें जो है उनसे भी हम एक बार करना चाहेंगे। बड़े अजीज मित्र हैं हमारे भाई अजीत मलिक हैं, राम राम भाई साहब। राम राम भाई। भाई जो अपना मित्र है, देखो वैसे तो मैं एक बार बता दूँ, जो टिंकू पहलवान जी हैं वो हमारे मेरे परम मित्रों की जो लिस्ट है उस लिस्ट में जो है टिंकू पहलवान जी का नाम जो है काफ़ी सालों से जो है मौजूद है, और हमारे एक और परम मित्र हैं भाई अजीत मलिक जो टिंकू पहलवान के बड़े खास मित्र हैं और हमारे भी बड़े अजीज मित्र हैं। भाई जो टिंकू जो भाई जो सर्व समिति से चुना है गांव ने पूरे ने, क्या कहना चाहोगा जीते? भाई नहीं कहना चाहूँगा कि आवड़ी गांव ने गांव राम हो है, आवड़ी गांव का मन था इबके ने एक अलग हो, क्योंकि इलेक्शन में के था 2 पार्टी हो जाती कड़वा साव थी,
हमारा गांव गांव गवांड में सब तई भी नरम है, चोगर देगा आपने भी देखा होगा, मानस मारम मारा भी हो रहे हैं और भी है, हमारा गांव नरम है। तो एक नीत सी थी कि भाई गांव में एक खुद को अलग करेंगे, अलग कर भी दिया। और हमने ये संदेश है भाई, आउली गांव में जो कर गांव गवांडा में देख कर ये खर्चे भी बच जा, और ये जो मैल है गांव गवांडा में जो दो दो तीन तीन गुट हो जाए ये भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है। और भाई बाकी जो है मैं भी बता दूं, जो जिस तरह से मैंने बताया है, जो भाई साहब हैं और ये भी जो है कुछ कहना चाहते हैं, बताइए भाई साहब। भाई राम राम सब भाइयों को। टिंकू पहलवान ने बहुत मेहनत करी और काफी समय से साजले काम में सबसे पहले आगे रहते थे, अपनी जेब से पानी का भाई एक मारा वो अलना पल बोलते उसको, उस पर भी मतलब अपने जेब से बहुत खर्च कर रहे हैं, और वो बारिश आती है वो फट्टे वट्टे बह जाते हैं। हर साल इसने उसको भी ठीक काम करवाया है। वहाँ डिग्गी के पास नुड़का है, सारा गांव पानी उसी का पीता है, वहाँ भी बहुत सुधार किए हैं। बड़कों के बच्चों के बारे में बहुत सोचा है, 10 साल से गांव में खेल भी करवा रहे हैं, इसलिए ही भाई को हमने सरो समिति से बनाया है। और हम तो दवा देते हैं अगले 5 साल हमारा बहुत अच्छा ध्यान रखे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रामवासियों को राम राम। टिंकू भाई अपना युवा भाई है और बहुत अच्छी सोच है, सामाजिक कार्यों में बहुत आगे रहते हैं और इनकी बहुत अच्छी सोच है गाँव को नशे से दूर रखने की, और ये सभी गाँव वासियों की भावनाओं पर खरे उतरेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे गांव के। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ टिंकू पहलवान जी, और जो है पूरे जो है गांव जो की जो पंचायत सरोवर समिति से चुनी गई है, सभी गांव के बुजुर्ग नौजवान सभी गांव बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और टिंकू पहलवान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जितने भी जो दर्शकों ने यह वीडियो जो देखी है, इससे एक संदेश जो आप लोगों ने लिया है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरे हरियाणा प्रदेश में इसको आप इस वीडियो को शेयर करना, ताकि और आगे आने वाले समय में जो है लोग इससे कुछ ना कुछ सीख ले सकें। तो भाई इन्हीं सब बातों के साथ हम लेते हैं इजाज़त। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।